गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलो आज हम देखेंगे हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल एनएबीएच के इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, हॉस्पिटल हो या क्लिनिक हो, जहां भी हेल्थ केयर सिस्टम है, वहां पे अलग अलग तरह का जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो जमा होता है और वो ऐसे हमें खुले में नहीं डाल सकते। उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम का हमें यूज करना चाहिए। उसमें कलर कोडिंग बैग आते हैं, उस कलर कोडिंग बैग के हिसाब से ही हमें वो वेस्ट सेग्रीगेट करके वो हमें प्रॉपर अथॉरिटी के पास डेली देना पड़ता है। तो चलो जानते हैं कि कौन से कलर कोडिंग के कौन से बैग में कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट हमें देना चाहिए। तो सबसे पहले है येलो बैग। येलो बैग में कौन क्या चीज हम डाल सकते हैं, तो येलो बैग में मैं बताना चाहूंगा इंफेक्शियस ड्रेसिंग मटेरियल लाइक गॉज, कॉटन, यानी कि ड्रेसिंग करने के बाद, ड्रेसिंग करते समय जो भी चीजें यूज होती है, कॉटन हो सकता है, गॉज हो सकता है, पैड हो सकता है, ऐसे कंटामिनेटेड या इंफेक्शियस जो भी मटेरियल है, ये सारा मटेरियल आपको येलो बैग में डालना चाहिए। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद जो ब्लड बैग होती है वो ब्लड बैग भी आपको येलो बैग में डालनी चाहिए। इसके अलावा यूज डिस्पोजेबल कैप, मास्क, ग्लोव्स, आपका प्लास्टिक एप्रन हो, हाँ, जो डिस्पोजेबल है, ये सारी चीजें भी आपको यूज करने के बाद येलो बैग में ही डालनी चाहिए। नेक्स्ट, सॉइल प्लास्टर कास्ट। प्लास्टर देने के बाद जब हम रिमूव करते हैं, रिमूव करते समय जो प्लास्टर आता है वो प्लास्टर भी हमें येलो बैग में ही डालना चाहिए। इसके अलावा शेव्ड हेयर, यानी कोई सर्जरी के पहले हम ओटी प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे हेयर रिमूव करते हैं, इंट्रा कैथ लगाते समय हेयर रिमूव करते हैं, यानी जो भी वक्त हम हेयर रिमूव करते हैं तो ऐसे हेयर रिमूव किए हुए भी येलो बैग में ही जाने चाहिए। इसके अलावा ऑल एनाटॉमिकल ह्यूमन और एनिमल बॉडी पार्ट्स और वेस्ट, यानी कोई चीज ह्यूमन एनाटॉमिकल पार्ट है, एम्पुटेड पार्ट है, ऐसे सारी चीजें, टिश्यू है या फिर कोई हिस्टेक्टोमी का केस हुआ है, ऐसे सारा मटेरियल जो ह्यूमन वेस्ट है या एनाटॉमिकल पार्ट है, ये भी येलो बैग में ही जाना चाहिए। इसके अलावा एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो मेडिसिन एक्सपायर्ड हुए है, ऐसे मेडिसिन भी येलो बैग में जाने चाहिए। एंड लास्ट इज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जो भी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उसे भी हमें येलो बैग में ही डिस्कार्ड करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे रेड बैग। रेड बैग में कौन सी चीजें हमें डिस्पोज करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इन्फेक्टेड एंड यूज प्लास्टिक एंड रबर आइटम्स। जो प्लास्टिक एंड रबर आइटम्स है जो यूज किए हुए है, ऐसे सारे आइटम्स लाइक इन्फेक्टेड आईवी सेट्स हो सकते हैं, ट्यूबिंग्स हो सकते हैं, बहुत तरह के वेंटिलेटर ट्यूबिंग वगैरह है। इसके अलावा कैथेटर्स, जो हम कैथेटर करते हैं, वो यूज किया हुआ कैथेटर वो भी रेड बैग में ही जाना चाहिए। इसके अलावा क्लट प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक आईवी बॉटल्स वगैरह है जो कट किए हुए हैं, ऐसे कट प्लास्टिक्स एंड लेटेक्स ग्लोव्स, लेटेक्स ग्लोव्स जो यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमें रेड बैग में सेग्रीगेट या डिस्पोज करनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट बैग है ब्लैक बैग। ब्लैक बैग में कौन सी चीजें हम डिस्पोज करते देखेंगे। ब्लैक बैग में हम करते हैं इट्स फॉर लैंडफिल जनरल नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट इन्फेक्शियस मटेरियल, यानी जो जनरल कचरा है, नॉन इन्फेक्शियस कचरा है, ऐसे हॉस्पिटल में जो भी कचरा तैयार होता है उसमें हो सकता है कुछ पेपर्स हो, मेडिसिन के बचे हुए रैपर्स हो, लेफ्ट ओवर जो फूड बचा हुआ हो पेशेंट ने खाने के बाद, या फ्लावर्स हो, ऐसे सारे नॉन इन्फेक्शियस जो भी मटेरियल है यानी जनरल कचरा है वो सारा ब्लैक बैग में जाना चाहिए। ओके, तो यहां तक सबको समझ में आया। ओके गुड, अभी नेक्स्ट देखेंगे व्हाइट बैग यानी व्हाइट कंटेनर। ये व्हाइट कंटेनर होना चाहिए जिसमें हम क्या डाल सकते हैं, इट विल यूज फॉर
शार्प नीडल्स, स्कैल्पेल्स एंड ब्लेड्स, जो भी धारदार यानी शार्प ऑब्जेक्ट से जिसमें निडल आए, स्कैल्पेल या ब्लेड से, ये सारी चीजें पंक्चर प्रूफ व्हाइट कंटेनर में हमें डालनी है, जिसकी वजह से किसी को वो उससे इंजुरी ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको व्हाइट बैग में या व्हाइट कंटेनर में डालनी चाहिए। एंड लास्ट वन इज ब्लू बैग। ब्लू बैग में कौन सा डिस्पोज मटेरियल करना है इसके बारे में देखेंगे। इसमें मोस्टली ग्लास वेयर एंड मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट जो भी है वो ब्लू बैग में जाने चाहिए आपके। और इसके अलावा ग्लास वेयर यानी ग्लास के यूज किए हुए जो ब्रोकन एम्पल्स होते हैं या वाइल्स होते हैं, अदर देन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यानी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को यूज किए नहीं है, ऐसे जो एम्पल्स और वाइल्स है, ब्रोकन ग्लासेस है, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स है, ये सारी चीजें हमें ब्लू बैग में डालनी चाहिए या डिस्पोज करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज मैंने बताया कि बायोमेडिकल वेस्ट हॉस्पिटल में उसका सेग्रीगेशन कैसे होना चाहिए, कौन से कलर कोडिंग के बैग में कौन सा डिस्पोज मटेरियल हमें करना है, इसके बारे में आज हमने जानकारी दी। होप आप सबको ये समझ में आई हो। थैंक यू।